हेलो स्टूडेंट्स, मैं मयंक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज स्टार्ट करते हैं हम परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट। आज के इस वीडियो में हम फिर से डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कहता है क्या कि एक संख्या का एक तिहाई 45 है। एक तिहाई का मतलब होता है 33 सही 1/3% या 1/3 ही मान लो, तो 1/3 कितना है 45 है। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ 45% क्या होगा। तो 45% का मतलब होता है बच्चों 9/20। 45% का मतलब होता है 9/20, यानी अगर 1/3 की वैल्यू 45 है तो 9/20 का मान कितना होगा। तो 45 × 3/1 × 9/20 कर लो। बात समझ गए इस चीज को, कितना करोगे, ये 1/3 था, कितना जगह 3 और उसका 9/20 निकाल लो। ये हो गया 5×20 और ये हो गया 5×25 5×45 है ना। तो अब काटोगे 9×81 तिया 243 बटे में 4 कितना हो गया 6×24 0.75 यानी उस संख्या के 45% कितना होगा 60.75 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कहा था कि 7200 का 30% का 20% ज्ञात करें। 7200 का 30% का 20% ज्ञात करें। तो 7200 का 30% 3/10 और 20% 1/5, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 100 काट लो, 14×75 5×20 14×75 5×20 कितना हो गया 4 × 12 14×42 और 1×43 कितना हो गया 432 हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अगला। किसी संख्या का 12% 960 है तो 30% किसी संख्या का 12% 960 के 30% के बराबर है तो वो संख्या कौन सी है। कोई एक संख्या है x, उसका 12% ले लिया और ये जो 12% है 960 के 30% के बराबर है, 960 के 30% के बराबर है। तो आप देखोगे ये परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो और ये हो गया 6×12 और ये आ गया 6×25 30। अब 2 से काट लो इसको, कितना आ गया 48×96। अब गुणा कर लो 0, 8×45 = 0, 4×5 = 20 और 4 = 24 कितना आ गया आंसर 2400 आ गया। इसका आंसर कितना हो गया 2400। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि 7200 का 42% और 4800 के 12% का अंतर निकालना है। तो आप सीधा परसेंटेज से परसेंटेज दोनों को हटा दो, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। 72×42 − 48×12 करना है, इनका डिफरेंस आपको निकालना है ना। तो अब आप देखोगे कॉमन वगैरह लिख कर सकते हो। आप क्या करोगे, 72 को 42 से गुणा कर लो। ठीक है, अब ऐसे कर लो, 144 हो गया और ये आ गया 288, कितना हो गया 4×8 = 12, 8×9 = 10, 2×1 = 3 और 48 को 12 से गुणा करोगे 48×96 और ये आ गया 48, 6×9 = 18, 5×17 576। अब 576 इसमें से घटा दोगे तो 8×6 = 14, ये आ गया 7×4 = 11। तो ऑप्शन से देखोगे अच्छे दो में है, अब ये बच गया 9, 9 में से 5 गया 4, 2 2448 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है 244 इसका क्या आ गया राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, कहा था कि 1200 के 3/4 का 40% क्या है। 1200 का कितना होगा 3/4 का 40% कितना होता है 2/5 40% कितना होता है 2/5 सॉल्व करोगे तो कितना हो गया 5×20 से काटोगे इसको तो 20×6 = 120 आ गया 60। अब 3×2 = 6, 6×6 = 36, 360 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर से कितना होगा 360 होगा। एक विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या 480 है। अगर 60% विद्यार्थी लड़के हैं यानी 40% लड़के हैं तो 40% की वैल्यू अगर 480 है,
40% की वैल्यू अगर 480 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो 40% की वैल्यू अगर तो कितना 2.5 by 2 से मल्टीप्लाई भी कर लो, या 480/40 × 100 कर लो, है ना। तो ये जीरो से जीरो कट गया और ये आ गया आपके पास 1248, कितना आ गया 1200 आ गया। स्टूडेंट की संख्या कितनी होगी 1200 होगी, ठीक है बच्चों। चलिए 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो एक दिन की अगर बात करें तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 30 मिनट की बात करो यानी आधा घंटा, तो हाफ एन आवर जो है 24 आवर का कितना परसेंट है ये बताना है। बात समझ पा रहे हो बात को, यानी अगर आप इसे सोल्व करोगे तो एक बटा दो गुना ये 24 नीचे आ जाएगा और ये 48 आ गया, तो 24 × 48 = 96, अच्छे ऑप्शन सारे ऐसे ही हैं, है ना। तो ये हो गया आपके पास 50, ये हो गया 4 12 और ये हो गया 25, है ना। तो ये आ गया 25/12, 12 × 24 एक आ गया तो 2.0, 12 × 96, 12 × 96 और 12 × 36, 2.083 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2.083। अगला क्वेश्चन, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 10% और 25% कम है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 25% 10% और 15% कम है, तीन संख्या से। तो आप तीन नंबर ऐसे सपोज कर लो, सिंपल क्वेश्चन है ये, आपने इसको 100 सपोज कर लिया, फर्स्ट नंबर इसे 10% कम है यानी 90 हो गया, सेकंड नंबर इसे 25% कम है यानी 75 हो गया। आपसे पूछा है कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने परसेंट बढ़ाने होंगे, अब इसको इसके 90 के बराबर करें यानी 15 बढ़ानी है, 15 बढ़ाने किस से 75 से, तो 15 बढ़ाने 75 से तो कितना परसेंट बढ़ेगा, 15 × 75 = 75, 20% बढ़ाने होंगे, ठीक है। चलिए सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ करना नहीं था इसमें। क्वेश्चन क्या है अगला, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर में 40% लोग निरक्षर हैं और 60% लोग निर्धन हैं, समृद्ध लोगों में 10% निरक्षर हैं, तो निरक्षर निर्धन लोगों का प्रतिशत याद करें। अब आप देखोगे, मान लिया जाए टोटल 100 हैं और इस 100 में 40% लोग जो है वो इलिटरेट है, 40% लोग जो है वो क्या हैं, निरक्षर हैं, मतलब 60% लोग साक्षर हैं, लिटरेट हैं, और 60% जो लोग हैं वो निर्धन हैं। इस 100 में से 60% जो है वो पुअर हैं और समृद्ध लोगों में 10% निरक्षर हैं, तो समृद्ध कितने हुए 40, और इस 40 का 10% कितना हो गया 4, ठीक है ना। तो 40% में 4% जो है वो क्या है, समृद्ध लोगों में 10% निरक्षर है और समृद्ध है कितने 40, तो 40 का 10% कितना हो गया 4, तो टोटल जो निर्धन है, तो निरक्षर निर्धन लोगों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो ध्यान से कि 40% लोग निरक्षर थे, तो 60 लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ओके, और उसके बाद 60% लोग निर्धन हैं, तो 60% निर्धन हो गए, तो 40% अच्छे हैं, समृद्ध हैं, इन समृद्ध लोगों में 10% क्या है निरक्षर है, यानी 4 निरक्षर है, और टोटल निरक्षर कितने थे 40, तो 40 में से 4 निरक्षर समृद्ध लोग वाले हैं, यानी 4 घटा दोगे तो कितना हो गया 36 निरक्षर और हैं, तो 36 निरक्षर निर्धन लोगों का प्रतिशत ज्ञात करें, तो निर्धन लोग हैं कितने 60, तो 60 लोग अगर निर्धन हैं और 60 में 36 लोग निरक्षर हैं तो कितना परसेंट हो गया, तो 60 का 36 जो है वो कितना परसेंट होगा ये बताना है आपको। तो 6×6 = 36 कितना परसेंट हो गया 60% हो गया, है ना। यानी व्हाट इज द परसेंट ऑफ इलिटरेट पुअर पीपल, परसेंट हो गया 60% जो है वो इलिटरेट है पुअर पीपल, ठीक है ना, और 40% जो थे वो इलिटरेट थे,
अगला क्वेश्चन, एक छात्र एक संख्या को गुणा करने के 5/4 से गुणा करने के बजाय 4/5 से गुणा कर दिया। अब आप देखोगे कि गुणा किससे करना था, 5/4 से करना था, और कर किससे दिया, वो 4/5 से कर दिया। अब आप देखोगे कोई एक ऐसा नंबर ढूंढो जिससे 5 और 4 इजली डिवाइड हो जाए, यानी हमने नंबर जो सपोज किया वो 20। तो अब आप देखोगे 20 को अगर मैं 5/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका आंसर 25 आएगा रिजल्ट, लेकिन अगर 4/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 16 आएगा। तो गणना में कितनी की त्रुटि होगी, जहां 25 आना था वहां 16 आया है। तो बच्चों 9 की त्रुटि हो गई है। तो 9 की त्रुटि हुई है किस पे, 25 पे। कितना परसेंट हो गया, 36% हो गया, ठीक है ना। कितना परसेंट आया, 36% इसका राइट आंसर हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट्स कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।